आहार शुद्धि पर बहुत ध्यान दीजिए। इसमें आहार बहुत तेजी से बिगड़ रहा है और आहार का दुष्प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है, अंतःकरण पर पड़ता है। वेद में लिखा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति भोजन बनाता है ना, उसके पैतृक संस्कार, उसके अंतःकरण की वृत्ति, उसके निजी जीवन के आचरण वे अन्न को प्रभावित करते हैं और वही अन्न हम खाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। आप अत्यंत पवित्र एकदम असंग रह के देख लीजिए, हम किसी का भी स्पर्श नहीं करेंगे और अपने हाथ से ही बड़ी पवित्रता से बनाकर भोग लगाकर पाएंगे, किसी दूसरे का स्पर्श किया हुआ नहीं पाएंगे। इतना ही नियम कुछ समय तक लेके देख लो, साधक की जीवनी से जियो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, भूमि पर शयन करो, नाम जप करो, स्वाध्याय करो। हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि एक वर्ष के अंतराल में ही आपको दिव्य दिव्य अनुभूतियां आरंभ हो जाएंगी।